जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है वो है कर्नाटका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कर्नाटका राजस्व विभाग के बारे में। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो DEO पद यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। इस वीडियो की जो नोटिफिकेशन आई उसमें हम आपको बताएंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसकी एज लिमिट के बारे में सारी डिटेल्स वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो रेवेन्यू कर्नाटका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों इसका जो नेम है वो है कर्नाटका रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंडमार्क रिफॉर्म ऑल इंडिया, ठीक है। इसकी जो फॉर्म टाइप है वो ऑफलाइन टाइप है, यानी ऑफलाइन माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद जो लास्ट डेट है वो 29 मई 2020 इसकी लास्ट डेट है, यानी इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 12 मई 2020 है। इसकी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो आपको टोटल वैकेंसीज हैं वो 1121 पदों पर भर्ती जारी की गई है, यानी 1121 पदों पर भर्ती जारी की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है कि इसकी लास्ट डेट 29 मई है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 0 रुपये है, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 1 भी रुपये खर्च नहीं करने होंगे, यानी 1 भी रुपये आपको नहीं देने होंगे। यह आपको जो फॉर्म भरा जाएगा वो डाक टिकट के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इसका जो नेम पोस्ट नेम है वो DEO यानी कर्नाटका डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती जारी की गई है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है, लेकिन आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशंस है, ये क्वालिफिकेशन आपके 10th पास होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1121 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब इसकी बात करते हैं एज लिमिट की क्राइटेरिया बात में, तो एज लिमिट आपकी है इसमें नॉट स्पेसिफाइड लिखा है, इसकी नोटिफिकेशन में नॉट स्पेसिफाइड ही लिखा हुआ है। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो इसकी एज लिमिट थी प्रीवियस ईयर में मिनिमम 18 ईयर थी, यानी 18 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम के लिए नॉट स्पेसिफाइड दिया हुआ था। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बेस्ड पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों हम इसकी बात करते हैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कर्नाटका की, ये कर्नाटका ही लैंग्वेज में आपकी ये पूरी लिखी हुई है। तो दोस्तों अगर मैंने आप इसमें जितना जो जो लिखा हुआ है मैंने सारी डिटेल्स में आपको दे दी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेशन में करके बताइएगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों इसकी जो PDF है इसको मैं अपने नोटिफिकेशन लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप इसको सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप इसको अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।